बाइक पर जा रहे थे परिवार के 5 सदस्य, ट्रक की चपेट में आकर माँ और बेटी की मौत। वेव सिटी थाना क्षेत्र के लालकुआ के पास बुलंदशहर रोड पर एक बाइक पर जा रहे एक परिवार के 5 सदस्य ट्रक की चपेट में आ गए। इस हादसे में ट्रक के पहिए की चपेट में आकर माँ और बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता व 2 बेटी मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने माँ बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर के वहाव गांव में ही एक हकीम है। परिवार में पत्नी शमा परवीन, 4 बेटियां मायरा, कशिश, आलिया, महजबीन व 1 पुत्र मोहम्मद कैफ थे। 2 दिन पूर्व पत्नी शमा परवीन, बेटी मायरा, आलिया व कशिश के साथ बाइक से अपनी ससुराल साहिबाबाद के शहीद नगर आए थे, जबकि महजबीन व मोहम्मद कैफ गाँव में ही थे। मंगलवार सुबह करीब 9:45 बजे वे बाइक से तीनों बेटी व पत्नी के साथ वापस गांव के लिए निकले थे। जब वे लालकुआ के पास बुलंदशहर रोड पर पहुंचे तो बाइक लहराने के कारण ट्रक की चपेट में आ गए और मायरा व शमा परवीन पहिए की चपेट में आ गए, जबकि वहाब, आलिया व कशिश सड़क किनारे जा गिरे। घटना में शमा परवीन व मायरा की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद राहगीर मौके पर एकत्र हुए और अलग अलग वाहनों से सभी को तत्काल जिला MMG अस्पताल में भर्ती कराया। यहां वहाब, आलिया व कशिश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वेव सिटी थाना प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि वहाब की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। ट्रक नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है, उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।